तो बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे पीएच के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम एसिड के बारे में पढ़े थे कि एसिड का पीएच हमें कैसे निकालना है ना? बताओ ओमकार। हाँ सर, यस, तो मृणाली, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि एसिड का पीएच हमें कैसे निकालना है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमें मिल गया तो हम उसका पीएच या पीओएच कुछ भी बोले तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे एक नोट। नोट, ये नोट किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना करना पड़ेगा, स्टेप वन करके लिख देते हैं। अगर बेस कैलकुलेट करना है तो स्टेप वन, सबसे पहले पीओएच कैलकुलेट करो। क्या करो कैलकुलेट? पीओएच। तुम बोलोगे ठीक है, स्टेप वन है ना। उसके बाद है स्टेप टू। अगर तुमसे पीएच पूछ ले, अगर तुमसे पीएच पूछ ले तो आप क्या करोगे? पीएच ऐसे निकालोगे, पीएच निकालोगे 14 माइनस पीओएच, यही होता है ना। मैंने बताया था किसी भी चीज का कैलकुलेशन करोगे सर। तो उसी कंपाउंड का, उसी सॉल्यूशन का पीएच प्लस पीओएच हमेशा कितना आता है? 14 आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। याद आ रहा है? अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर चेंज करे यही आएगा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बेस के लिए ये निकाल लेंगे, और अगर ये पूछता है तो 14 माइनस पीओएच कर देंगे, है ना योगेश? इजी। इस बात का जरा खासा ध्यान देना है। तुम बोलोगे ठीक है, दे देंगे, ध्यान ही देना है ना, दे देंगे ध्यान। चलो ठीक, और पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे ये बताओ, जल्दी बोलो मृणाली, पीओएच का फॉर्मूला? माइनस आज नहीं, नॉट आज नहीं बोलोगी क्या? बोलूंगी सॉल्यूशन क्या मैं प्लस करके लिख दूं? अगर मैं मान लो बेस लिखता हूं, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन, यस हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू, अगर मैं यहाँ पे बेस लिखता हूँ मृणाली, तो क्या मुझे यहाँ पे +10^-7 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? बस इतना बता दो। हाँ सर। बिल्कुल लिखना पड़ेगा योगेश दादा, क्योंकि OH नेगेटिव भी तो उसमें छुप के बैठा रहता है पानी का। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी वही रूल। अगर OH नेगेटिव बेस का, ध्यान से सुनिए, अगर OH नेगेटिव बेस का 10^-6 से ज्यादा है, 10^-6 से ज्यादा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और फॉर्मूला ये हो सकता है हमारा। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी ओ एच इज इक्वल्स टू -log ओ एच नेगेटिव बेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं ये मैं तो नहीं, कोई दिक्कत मृणाली? अगर log ओ एच नहीं नेगेटिव का हमें वैल्यू 10^-6 से ज्यादा आ गया, जैसे 10^-5 आ गया, 10^-4 आ गया, तो हम 10^-7 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ठीक, बताओ। जी सर। ओके ओके, आइए सवाल लें, स्टार्ट करें कहानी। तो सर आने तो स्टार्ट ही है सर। कहानी स्टार्ट है, तो आओ ये लो भैया। सवाल है 10^-3 मोलर है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सॉल्यूशन, तुमसे पूछ रहा है इसका पीओएच एंड पीएच, दोनों ही पूछ रहा है पीओएच एंड पीएच। क्या बताएं ट्रिक? पहले मैं सॉल्व करूंगा, पहले ही बता दे, पहले का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। स्टेप क्या कहता है? स्टेप कहता है कि पहले आप चेक करो इसका OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन वैसे ही चेक करेंगे। देखो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन अगर पता करना है, ध्यान से सुन लो कैसे पता करते हैं। इज इक्वल्स टू बेस, क्या लिखते हैं यहाँ पे? बेस, इक्वल्स टू बेस। और हाँ बेस, और ये देखो OH के नीचे कितना है, OH के नीचे कितना है? 1, तो हम लिख देंगे 1। ठीक है, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं नहीं।
इससे हमें ओ एच नेगेटिव का कंसेंट्रेशन मिल गया कितना, ओ एच नेगेटिव का कंसेंट्रेशन मिला है 10^-3। इसका मतलब ये 10^-6 से तो बड़ा है ना ओमकार, तो हमारे लिए जो पीओ एच का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, बेस के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पीओ एच क्या कैलकुलेट करते हैं, पीओ पीओ एच एच। तो ओ एच नेगेटिव क्या हो जाएगा, सीधा बेस, मैं पावर 7 नहीं लिखूंगा ठीक है ना, अरे यहाँ पे प्लस लिखते थे ना, प्लस 10^-7 वो नहीं हाँ लिखूंगा क्योंकि ये 10^-6 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हाँ लो वैल्यू सीधा लिखते हैं, -log होता है ना टेन का सर। पावर माइनस थ्री तो क्या सर मैं देखो इसको ये ऐसे नहीं छोटा लिख टेबल सकता, है ये। 3 log 10, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। पीओ एच का वैल्यू कितना आ गया, 3। भैया पीओ एच का वैल्यू 3 है, तो पीएच का वैल्यू कैसे निकाले अब ओमकार, पीओएच का तो आ गया, देखो पीएच का भी पूछ रहा है, हाँ तो मैंने अभी अभी बताया भाई, अभी सर अभी तो पीएच बताया था का ममता, तो बहुत 14 -पीओएच कर देंगे। हाँ जरूरी है। अच्छा वही करेंगे। तो पीएच का वैल्यू हो जाएगा 14 -पीओएच, तो 14 -3 कितना हो जाएगा, अरे यार 14 -3 तो कितना हो जाएगा, 11। और हम जानते हैं बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, तुम जानते हो ना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसका पीएच का वैल्यू देखो 7 से ज्यादा है, तो बेसिक ही हुआ ना। अरे हाँ याना भाई, हाँ हाँ याना। हाँ सर तो एक और हो जाए दोस्तों मित्रों, एक और सवाल लिखने लिखूं सर। ममता क्या कह रही थी, क्या। तीन छोटा हो गया, निगेटिव 3 है ना, निगेटिव 6 से छोटा हो गया बोल रही क्या थी। भाई, कौन से नशे में हो ममता, नींद में हो क्या, नहीं, बड़ा है। बाप रे भाई, माइनस भी तो साइन लगाया है कहाँ है, उसी मतलब 1/1000 हो गया ना ये 10^-3, और वो सर वन उसकी डिवाइडेड बाई रात लाख हो गया, की नहीं लाख हो गया, लाख उतरी नहीं 10 लाख, 10^-6 तो लाख, 10 लाख होता है क्यों मृणाली। धूला मला तो 10^-7 यानी 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1 करोड़ से। ममता हो गया कुछ सर, चमका क्या, हो गया, आओ एक सवाल और ले लो दोस्तों, एक बहुत सवाल कम चमका। चमका ना, सब चमकने लगेगा एकदम क्लियरली। सवाल कुछ यूं है, कैसे है यूं, 10^-8 मोलर क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे NaOH है ना, मुझे इसका पीएच बताओ, पहले मुझे ये बताओ स्टेप्स जरा बताओ कैसे करोगे सॉल्व, जल्दी बताओ सभी सर लोग सर मैं बताऊं, पी बोलो। पीओएच में वेरी गुड, पहले लॉ का तुम ये पीओएच करेंगे। हाँ कैलकुलेट करोगे, यस पहले क्या कैलकुलेट करोगे पीओएच, उसके बाद और पीएच उसमें निकालोगे। हमने नीचे क्या किया था, पिछले वाले में माइनस log 10 पावर -3 लिया था ना, इसमें हमें +7 भी डालना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, करो सॉल्व करो जल्दी से। देखो बेस जब भी आएगा ना तो आप डायरेक्ट पीएच मत कैलकुलेट करना, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पीएच से फॉर्मूला अपने पास नहीं निकल के आता, पीएच का तो फॉर्मूला क्या है, -log H+ आता है ना, इसलिए करो करो सॉल्व करो। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं कुछ और बताऊंगा, मैं एक और नया कंसेप्ट दूंगा। आ गया दोस्तों, फ्रेंड्स रुको और सर, मित्रों,
क्या आएगा सर? 7? कितना आया? 7 आया, 7 और पीएच 7 आया। हाँ आओ देख लें एक बार, जल्दी से देख लें सर, मेरा अगर 7.02 आ रहा है, जीरो ठीक है। मैं डायरेक्ट ओ एच नेगेटिव फोर का, जीरो फोर कोई नहीं, मैं डायरेक्ट ओ एच नेगेटिव का ये लिख दूं क्या? कंसंट्रेशन ये 10^-8 मोलर ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, क्योंकि NaOH में OH के नीचे 1 ही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब आइए मैं लिखता हूं लगे POH। ममता ध्यान दो इधर, फॉर्मूला क्या होगा? माइनस लॉग, सॉरी H प्लस नहीं, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ना। OH नेगेटिव है ना सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग 10^-8 प्लस 10^-7। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको 10^-7 ही बना दूँ क्या? नूरानी तुम बोलोगे हाँ सर बना दो। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये 10^-8 को मैं मुझे 7 बनाना है। क्या करें? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से डिवाइड। ये 10 घूम के ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा? एक सेकंड, हाँ ये, हाँ ठीक है, ये 10 ऊपर घूम के जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.1, ठीक है भाई। और ये हाँ इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ये 10^1 है, देखो 10^1, 1 और -8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10^-7, और -7 ये 1/10 कितना हो जाएगा? 0.1। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है? आया समझ सर, आया ना? आया। ठीक है तो ओके। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने इसको बना दिया माइनस माइनस लॉग 0.1 इंटू 10^-8, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 × 10^-7 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। यहाँ सॉरी 8 नहीं 7 होगा। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं 10^-7 को कॉमन ले लूं, माइनस लॉग, और तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1.1 × 10^-7। अरे बचेगा ना भैया, देखो इसको मैं और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 0.1 + 1 कितना होगा? 1.1 ही हो तो होगा, आया ना? बोलो। और ये जेड वाले फॉर्मेट में आ गया क्या? देखो तो जेड वाला फॉर्मूला में आ गया। अगर ये जेड वाले फॉर्मूला में आ गया तो क्या लिखेंगे? 7 − log 1.1। यही आंसर आया है क्या सबका? ये है पी ओ एच का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आया है? पी ओ एच। और 1.1 का वैल्यू कितना होता है? 1 का 0 होता है, तो 0.1 का कितना? लगभग कुछ कुछ हो जाएगा। तो मैं इसका वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो 6.99, ठीक है ऐसा कुछ, माइनस करके रफ कैलकुलेशन में डाल दिया है। तो हमारे पास पीओएच का वैल्यू कितना आ गया? 6.99। तो पीएच का वैल्यू क्या आएगा योगेश दादा? 14 − 6.99 है ना। तो पीएच कितना आ जाएगा? कर लो कैलकुलेट, कुछ तो आएगा। और अगर मान लो ये वैल्यू तुमको पसंद नहीं आ रहा, मान लो तुम बोलोगे कि नहीं सर आप 6.99 मत डालो, तो ये भी कर सकते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं। तब हम ये कर सकते हैं कि pH इज इक्वल्स टू, देखो ये वैल्यू आ गया ना pOH का, देख लो ये आया है ना। हम क्या करेंगे? pH इज इक्वल्स टू 14 − 7 − log 1.1 ऐसे कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई होके जब ये बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 14 − 7 + log 1.1। ये भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है, क्योंकि ये माइनस, अरे देखो ना ये माइनस इसके से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना आंसर? तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है योगेश? नहीं ठीक है सर। ठीक है, योगेश का आवाज ऐसा कैसे होने लगा, बट ठीक है जो भी है। आओ एक और सवाल लो दोस्तों, ये सवाल पहला सवाल लो। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये 10^-10 है। ये 10 का पावर क्या है? रुको मैं कर देता हूँ, ये 10^-10। जल्दी से सवाल लिखो जल्दी से और सॉल्व करो, ये AIPMT 2017 का सवाल। 7 लिखा है सर उधर।
सॉरी 2007 का सवाल, गलत बोल गया। सर उधर क्या है, 1 × 10^2। चलो सॉल्व करो तुम। जल्दी से सॉल्व करो मित्रों, तुम लोग तो काफी अच्छे इंसान हो, सॉल्व कर दो। और देखो इसने लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, तापमान चेंज नहीं किया है ये। हाइड्रोनियम आयन का मतलब जानते हो? H3O+। कहते हैं ये दीवाना, मस्तानी। सर हाइड्रोनियम आयन मतलब, H+ का वो कंसंट्रेशन दे दिया है, हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या? मतलब तुम भी ना है? सर ये 7.0000 क्यों दिया है, 7 भी लिख सकते हैं ना। वो सिग्निफिकेंट फिगर नाम का कोई चीज पढ़े थे कभी जीवन में? ऑफलाइन में पढ़ाए थे नहीं, कि पॉइंट कुछ भी नहीं जीरो जीरो पढ़ा क्यों मैंने। डालते हैं? हाँ तो अभी तुमको नहीं समझ में आएगा क्यों। मृणाली, ममता बताए थे कि नहीं सिग्निफिकेंट फिगर? ये जो हाँ नॉर्मल सर आदमी होता है बताया ना ओमकार, नॉर्मल आदमी जो होता है था। ना, उनको वो यही सोचेंगे यार 7.00 क्यों लिखा है, 7 भी तो लिख सकता था ना, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स बट जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर अगर पढ़े हो तो तुमको पता चल जाएगा। क्या हूँ क्यों ममता, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऑर्डिनरी आदमी तो यही सोचेगा ना। हाँ सर। बट वी आर नॉट ऑर्डिनरी, है ना, वी आर साइंस वाला, है ना। हाँ तो साइंस वाला, हम लोग कुछ साइंस वाला, अलग अलग करते हैं, है ना, तरकता भड़कता करते हैं। फिजिक्स वाला, साइंस वाला। यस, जल्दी बता दो आंसर। चलो इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, आओ मित्रों रुको इस ना सवाल सर, को मैं करने सॉल्व कर। तो दो सर, अरे करने तुम, दो, रुको सर, तुमसे ना हो पाएगा ओमकार, कैसे हो तुम पाएगा बच्चे हो, तुम बच्चे हो। सर, आधा हो गया, रुको ना, रुको ठीक है, सर, 2 मिनट, 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है। मिनट देखो मैं ये बोल रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H+ का आपको कंसेंट्रेशन दे दिया है, देख लो। सर, आंसर बताओ बोलो, बी वाला। हाँ गूगल पे भी हाँ इसका आंसर सर, मिलता है, तुमको पता है H+ का कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास लिखा हो दिया है, क्या लिखा हुआ नहीं सर, नहीं वन रुको तो, 1 × 10⁻¹ दिया हुआ है, देख इंटू लो ओमकार, देखो भैया H+ का दिया हुआ है। क्या ये H+ का कंसेंट्रेशन 10⁻¹ के कंसेंट्रेशन से कम है? बोलोगे हाँ बहुत कम है। अरे बहुत कम हुआ ना, ठीक हाँ। है। तो एक बात मुझे बताना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना, क्योंकि उसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई चीज का मान लो H+ का कंसेंट, एक मिनट इस कलर से, मान लो H+ का कंसेंट्रेशन मैं बोल रहा हूं 10⁻¹ से कम है, कम कम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस सॉल्यूशन में H+ का कंसेंट्रेशन कम है, OH का नेगेटिव का ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों चीज होता है ना, तभी तो 14 आएगा आंसर भाई। दोनों चीज होता है कि नहीं होता है? तुम बोलोगे हाँ दोनों चीज हाँ होता है, ठीक है। तो अगर इसका H+ का कंसेंट्रेशन 10⁻¹ से कम है तो जरूर ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, इसीलिए तो ये कम है, देख रहे हो ना इतना कम। थोड़ा सोचो भाई, नॉर्मल कंडीशन में पानी में सबसे ज्यादा 10⁻¹, OH भी 10⁻¹, दोनों मिलके होता है 10 10, सॉरी दोनों को कम मिलकर होता है 10⁻¹, ऐसे करके कुछ होता है, ऐसा कुछ पढ़े थे। देखो सर हम पढ़े थे 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ कंसेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का इनटू OH नेगेटिव का सॉल्यूशन, ये ऑलवेज
10 का पावर -14 आता है। तुम बोलोगे हाँ, अगर पीकेडब्ल्यू इसका निकालते हो तो 14 आता है, पीएच प्लस पीओएच 14 आता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ सर ये अगर जी, लिखते थे मृणाली पीएच प्लस पीओएच तो वो तो 14 आता था ना, लेकिन मैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का बात कर रहा हूँ। मैं किसका बात कर रहा हूँ? कंसंट्रेशन का, मैं बात कर रहा हूँ कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो तो टेन यही इज आता है। टेन एच प्लस का कंसंट्रेशन अपने को दिया है, एच प्लस का कितना दे दिया है? एच प्लस का कितना? 1 × 10 का पावर -10। ठीक है, और हमसे पूछ लिया है कैलकुलेट पीओएच, कैलकुलेट पीओएच। तो मैं चाहता हूं कि मैं अगर पीओएच निकालूं तो मेरे पास ओएच नेगेटिव का कंसंट्रेशन हो, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तो हम ओएच नेगेटिव का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे वो देखो, वो मैं बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू डाल देंगे। इसका वैल्यू कितना है? 10 का पावर -10 इंटू ओ एच नेगेटिव, है ना? -10 सॉरी, फोर क्यों लिख माइनस। देना अरे यार कोई बात नहीं, ओ एच नेगेटिव का कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 का पावर -14। तो क्या यहाँ से ओ एच नेगेटिव का कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गया? क्योंकि पी ओ एच निकालने के लिए तो अपने को यही चाहिए ना। तुम देख, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -14 अपॉन 10 का पावर -10। टेन कट कुट खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -4। फोर तुम बोलोगे कि सर हम तो यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे? हम इसका डायरेक्ट पीएच का वैल्यू निकालते और 14 में से माइनस कर देते, है ना? यही करते ना। हाँ, लेकिन ऐसा आप मत करो, ऐसा आप मत करो, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। किसी किसी सवाल में बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, तो आदत क्यों ना हम पहले से अच्छा लगा के रखें। अगर किसी चीज का वैल्यू 10 का पावर -7 से कम है, मान लो किसी चीज का वैल्यू, जैसे इसी एच प्लस का कंसंट्रेशन का वैल्यू 10 के पावर -7 से कम था ना, और तब वो तुमसे पीओएच पूछ रहा है, तो आप ओएच नेगेटिव निकाल लो। हाँ, अगर इसका सीधा एच प्लस पूछता ना, पीएच पूछता ना, तो मैं तो यहीं से निकाल देता, फिर तो मैं उतना माथापच्ची करता ही नहीं। ठीक है, या ऐसा भी होता कि एच प्लस का वैल्यू 10 के पावर -7 से ज्यादा होता, जैसे 10 का पावर -5, 10 का पावर -4, तो हम क्या करते, पीएच निकाल के जल्दी से क्या करते, फिर पीओएच निकाल देते 14 माइनस कर। लेकिन जब ये इससे थोड़ा कम हो तो थोड़ा सा सावधानी, है ना? नहीं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा और पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। अब चलो मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। क्या है कैलकुलेशन? अब पीओएच का वैल्यू बताओ कैसे लिखे। पीओएच इज इक्वल्स टू -log ओएच नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये 10 के पावर -6 से कम है, देखो ना, सॉरी ज्यादा है, 10 के पावर -6 से ज्यादा है, तो हम 10 का पावर -7 ऐड नहीं करेंगे, है ना? ये क्या हो जाएगा, यस -4। क्या इसमें ऐड करें ये वाला चीज या नहीं ऐड करें, जल्दी बोलो। करें या नहीं करें, नहीं जल्दी बोलो। सर, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसका आंसर आ जाएगा 4 log 10, यानी आंसर आ गया 4। दूसरा इजी था, योगेश दादा समझे। अच्छा ऐसे भी निकालते तो आता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं निकालते तो तुम्हारा नहीं आता, ऐसे भी निकालते तो आता, ठीक है, लेकिन वो काफी तुमको परेशान कर देता कैलकुलेशन। कैसे करता? देखो, तुम 10 का पावर -10 प्लस 10 का पावर -7 भी करना पड़ता ना यहाँ पे, फिर तुम उस कैलकुलेशन को करते, काफी कठिन हो जाता है, काफी माथापच्ची हो जाता। तुमने देखा भैया 10 के पावर -7 से कम है और हमसे पूछ लिया पीओएच, तो हम तो ओएच नेगेटिव निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक था, बताइए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, अगर कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं है तो अब हम न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं, है ना? हाँ पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टार्ट करें। आइए हम स्टार्ट करें पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सवाल सब काफी अच्छा अच्छा है, तुम लोग सवाल को हल्के में ले लेते हो, है ना? नहीं नहीं लेती हो नहीं तो वो क्या हल्के से वजन वजन में लेती हो हल्के क्या? देखो, में ले लेती है, हल्के से हल्के में ले लेती हाँ, अब एक चीज पहले मुझे बता दो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी को एम से दिखाते हैं, तुम बोलोगे हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
लीटर में। तुम बोलोगे एक सेकंड, तुम बोलोगे हाँ यही होता है। तो क्या यहाँ से मोल का एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या? एक चीज देखो, क्या यहाँ मोल का हाँ सर। फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम? योगेश दादा ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ये हमें किसका मोल देगा? भाई किसका मोल देगा? ये देगा, ये मोल देगा एसिड का, क्योंकि ये मोल क्या है? एसिड का है, एसिड है तो एसिड का, बेस है तो बेस का, तो ये मोल किसका दे देगा हमें? एसिड का देगा। बोलोगे हाँ ये सही है, ठीक है ये फॉर्मूला याद रखोगे? तुम बोलोगे हाँ ठीक है याद रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस बर्तन में एक एसिड है, मान लो इस बर्तन में है एक एसिड जिसका मोलैरिटी है 1, मैं बोल रहा हूँ M1, मान लो मोलैरिटी है M1, इसका वॉल्यूम है V1 लीटर, V1 लीटर, ठीक है। अब इसमें हमने पानी मिला दिया, क्या किया हमने इसमें पानी मिलाया, एसिड था, एसिड था, ठीक है, एसिड पानी मान लो दोनों था। अब इसमें हम और पानी मिला दिया, इसको और डाइल्यूट कर दिया, हमने क्या किया इसमें और पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, मान लो हमने इसमें मिला दिया V2 लीटर पानी मिला दिया, हमने मिला दिया इसका इसमें V2 लीटर पानी। अब वो तुमसे पूछेगा कि अब इसका पीएच क्या होगा बताइए, तो एक बात बताओ, हम तो पीएच का एक ही फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या फॉर्मूला जानते हैं? माइनस लॉग एच प्लस, वही जानती हो तुम लोग? तुम बोलोगे हाँ हम तो वही जानते हैं। तो उसका फॉर्मूला देखो कैसे, अभी मुझे बताना इस केस में मोल कितना है इसका एसिड का, मोल ऑफ एसिड, एन ऑफ एसिड कितना है? तुम बोलोगे एन ऑफ एसिड है M1 V1 लीटर। अभी मैंने बताया है ना वो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, भैया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सर मोल बताता है, यहाँ पे एसिड का मोल इतना है। योगेश दादा सही है ना? तुम बोलोगे हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम इसमें पानी मिला दिया, हम जब इसमें पानी मिला दिया, पानी हम इसमें ऐड कर दिए, तो अब इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल इसका वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2 लीटर, हाँ पूरा सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम तो यही हो गया। तुम बोलोगे हाँ पूरा यही हुआ। तो मुझे बताइए एच प्लस का कंसंट्रेशन या एसिड का कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कितना होगा? एसिड का मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी मोलैरिटी मैं ये पूछ रहा हूँ, एसिड का मोलैरिटी क्या होगा, कौन बताएगा? तुम बोलोगे सर एसिड का मोलैरिटी ये हो जाएगा, अरे सॉरी मोलैरिटी, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई मोलैरिटी क्या होता है? मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही लिखोगे ना? हाँ सो ठीक है मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो मैं मोल कितना लिखूं, मोल कितना लिखूं, मोल क्या चेंज हो रहा है, मोल क्या चेंज होगा एसिड का, सोच के बताइए। मोल अभी भी वही है, मान नहीं लो कुछ देर के लिए 5 मोल यहाँ पे पड़ा हुआ था एसिड, मान लो 5 मोल या 5 मॉलिक्यूल, तो हम इसमें 1000 लीटर पानी मिला देंगे तो भी तो 5 मोल ही पड़ा रहेगा ना, हम 10,000 लीटर मिला देंगे तो भी तो 5 मोल ही पड़ा रहेगा ना। लगता है तुम लोग समझे नहीं, इसको इस पेज पे हाँ समझते, देखो तुम लोग समझ ही नहीं रहे। एक ये है एक ये बक्सा, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं इसमें 10 मॉलिक्यूल, मोल को छोड़ो अभी कुछ देर के लिए, वैसे मोल क्या होता है, संख्या होता है ना, डजन मतलब 6.023 × 10^22। मैं बोल रहा हूँ 10 मॉलिक्यूल है किसके, HCl के, मान लो 10 मॉलिक्यूल है HCl के, कितने लीटर पानी में? 10 लीटर पानी में, ठीक है हाँ सर। सभी लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ममता रेस्पॉन्ड, हाँ सर। अब मैंने क्या किया ममता, 10 मॉलिक्यूल थे HCl के 10 लीटर पानी में, मैंने इसमें 50 लीटर पानी और मिला दिया, तो मुझे बताओ HCl अब कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा? तुम बोलोगे सर क्या मजाक है, वो अभी भी 10 मॉलिक्यूल ही रहेगा ना, वो क्यों बढ़ेगा? पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 10 लीटर था 50 लीटर, अब ये 60 लीटर हो जाएगा, लेकिन वो 10 था तो 10 ही रहेगा ना, आप HCl ऐड करो तब हम बोलेंगे कि बढ़ेगा। भाई HCl ऐड करेंगे तब ना तुम बोलोगे बढ़ा है, HCl हम हाँ ऐड ही नहीं सर। करेंगे तो कहां से? तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 10 मोल था, मैं बोल रहा हूँ 10 मोल था HCl मान लेते हैं, तो अभी भी 10 मोल ही रहेगा, पानी हम कितना भी ऐड कर दें, हम तो कह रहे 100 लीटर और ऐड कर दो तो भी ये 10 मोल ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी होगा, क्या कहते हो, क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं है?
तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास पहले इतना मोल था M1V1, तो भाई पहले पहले इतना था तो बाद में भी इतना ही रहेगा, पानी मिलाए कुछ भी करे वो तो इतना ही रहने वाला है। तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला ये नहीं लिख सकता क्या? M1V1, देखो M1V1 ये मोल है, एसिड का मोल है, अपॉन वॉल्यूम टोटल V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम इन लीटर, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन मोल ऑफ एसिड। तो मोल पहले M1V1 था, अभी भी वही रहेगा M1V1, बस वॉल्यूम बढ़ गया नीचे V1 प्लस V2, क्योंकि हमने इतना वाटर ऐड किया। बताओ कोई दिक्कत क्या योगेश, रूनाली, ओमकार, कोई नहीं दिक्कत? सर, कोई दिक्कत? नहीं तो क्या यहां सर। से हमको, क्या यहां से हमको पता चल चुका है कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूशन का। भैया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता चल गया, क्या होगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन? यही होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M1V1, यानी मोलैरिटी पहले अपॉन V1 इज अपॉन V1 प्लस V2। और जब हमें सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता चल जाता है तो H प्लस का निकालना तो बहुत इजी है। H प्लस का हम कैसे निकालते हैं, याद ही होगा है ना? कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू होता है N इंटू जो भी एसिड है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा हाँ है, सर, इस हाँ वैल्यू को यहाँ पे सर। डालेंगे और कर देंगे है ना। तो चलो इसके ऊपर एक सवाल हो जाए दोस्तों, ये लिख लिए, जल्दी बोलो, सर रुको रुको रुको, ये लिख चुके हो? नहीं सर, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मैं इस एक सवाल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। रोनाली हो गया? मेरा नहीं हुआ। हो गया, जल्दी करो नहीं, ओमकार, हाँ लास्ट का लिख रहा हूँ। देख लो एक बार में पूरा लिख देना। हो गया, अब हटाते हैं, हटा रुको दें यार, कितना स्लो रुको, हाँ मिटा दो। है। एक एक अक्षर देखना पड़ता है क्या तुमको? नहीं मैं पीछे था, तुम लिखा ही पीछे नहीं ही था, रह जाओ। मैंने समझ के लिख रहा था। ये सवाल देखो दोस्तों, ये सवाल मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ है ना, करूं कोशिश करूं। मृणाली हमको क्या बोल रहा है? बोल रहा है 0.5 मोलर 10 लीटर HCl सॉल्यूशन डायलेटेड विथ डाइल्यूटेड विथ H2O है ना, इसको H2O पढ़ना, एंड मेड 20 लीटर फाइनल सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH। ठीक, बहुत अच्छी बात है। हमें पहले मोलैरिटी कितना दिया है, M1 का वैल्यू कितना है भाई? M1 का वैल्यू 0.5 है, ठीक। हमें V1 का वैल्यू कितना दिया है? V1 का वैल्यू दिया है 10 लीटर। तो क्या यहां से मोल पता कर लें? मोल पता चल गया, 10 लीटर। कितना हो गया? मोल पता चल गया 5 मोल। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, 5 मोल, ठीक। अब क्या क्या किया भैया? अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 करेंगे ना, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, और V2 का वैल्यू कितना है? 20 लीटर, पहले था 10 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम 30 लीटर। बोलो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? हाँ सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो टोटल वॉल्यूम अपने पास आ गया है 30। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, टोटल वॉल्यूम 20 लीटर है। देखो देखो देखो, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, देखो। एंड मेड 20 लीटर, 10 लीटर HCl सॉल्यूशन डाइल्यूटेड विथ H2 एंड मेड 20 लीटर फाइनल सॉल्यूशन, यानी फाइनल सॉल्यूशन कितना बन गया? 20 लीटर बन गया, क्वेश्चन ही लिख दिया है। यानी कितना ऐड किया होगा? 10 ही तो ऐड किया होगा, तो फाइनल कितना बन गया? 20 लिख दिया है। हाँ बीस। गलती हो गया, मेड 20 लीटर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है बना दिए। अब हमें क्या बोल रहा है? पीएच पता करो। तो पीएच पता करने से पहले क्यों ना मैं HCl का कंसंट्रेशन पता कर लूं? तो मैं मोलैरिटी पता करूंगा HCl का। मैं क्या बताऊंगा? HCl का कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं? टोटल मोल है ना, मोल ऑफ एसिड, टोटल मोल ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही अभी तो पढ़े थे ना। तो टोटल मोल M1V1, M1V1 तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये क्या किए हो ना M1V1 कैलकुलेट। तो M1V1 का वैल्यू कितना है? 5 अपॉन कितना है ये? 20। तो इसको कट कर दो, कितना बार में कट हो जाएगा? 4 है ना, 4 टाइम्स में ही कट होगा ना।
तो ये 1/4 आ हाँ गया। तो 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, 0.25, या 0.25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 × 10^-2, बोलो ये भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ है। ठीक है, अब मुझे नहीं बताओ, अब हमें H प्लस का कंसेंट्रेशन पता करना होगा, तो मैंने बताया है H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे पता करते हैं, इनटू एसिड का HCl, और H के आगे कितना है वैल्यू यहाँ पे HCl में, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे इनटू 1, तो जो H प्लस जो HCl का होगा, भाई मैं जानबूझ के पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया दोस्त, इसका भी वही हो गया, कितना, 25 × 10^-2। ठीक है, अब देखो, अब हमें पीएच पता करना है, तो हम पता कर लेंगे पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस का कंसेंट्रेशन, एच प्लस का कंसेंट्रेशन 10^-6 से बहुत ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 25 × 10^-2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 − log 25, log 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ? हाँ एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, 2 − log 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 − 2 log 5, log 5 का वैल्यू कितना होता है, 0.69 परहैप्स, तो क्या हो जाएगा, 2 − 2 × क्या हो जाएगा, 0.69, ऐसा कुछ। अब माइनस करके देख लो वैल्यू कितना आता है, तो 0.69 को कुछ देर के लिए 7 ले ले, कुछ देर के लिए रफ कैलकुलेशन के लिए, वैसे तुम लोग लेना मत एग्जाम में, मैं ले रहा हूँ, तो ये 14 हो जाएगा, मतलब 1.4 हो जाएगा, है ना, तो 2 − 1.4 कितना हो जाएगा, 0.6, 0.6, है ना, रफ कैलकुलेशन के हिसाब से। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं नहीं सर, मृणाली नो दिक्कत ना, नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े, क्या रुको, कितनी देर है अभी, बोल रही हो, मीटिंग कितनी देर है, मीटिंग है अभी 2 मिनट है, इसके बाद एक और सवाल है, टेंशन मत लो, मुझे सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, जो भी सवाल है, दो तीन सवाल सब लिखा हुआ है, टाइप्ड है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ सिर्फ लिख लिए जल्दी, लिख लिए, हो गया, चलो मुझे अभी हो गया ना, आओ आ गया, समझ में भी आया है या बस लिखे हो, नहीं अरे सर, सब कुछ समझ गए हम, मैं तो ठीक समझ है, गया, बहुत बाकियों का तो पता नहीं। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट मीटिंग में बाकी का डिस्कस करते हैं, आइए।